एवरीवन, जय श्री कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गुड। हाय, एक बेटा हाय करो, हाय करो, हाय हाय। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की, हाय, चलो अब हो गया। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से, और मेरा सारा काम तो नहीं, 80% काम हो चुका है, झाड़ू पोछा, ब्रेकफास्ट वगैरह। बस मैंने कपड़े नहीं धोए आज, और छोटा मोटा ऐसा वैसा काम है, जैसे कि टावल नहीं रखा हुआ है, गाय को मैंने, मेरे गाय का खाना ना बाल्टी फुल हो चुकी है, छोटी सी तो बाल्टी है, बट नीचे रख के आने का टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी, पता है आज, हाँ जा रहे रुको। तो आज मैं 8:30 बजे उठी यार, मतलब मैं सुबह 5 बजे उठी थी, मैंने एडिटिंग वगैरह करी, फिर मैंने अपलोड पर लगा दिया, फिर थंबनेल वगैरह बनाया, उसमें टाइम तो लगता है यार, बहुत टाइम लगता है, मैं मेहनत का काम है ये भी, तो यही सब कुछ किया। उसके बाद मुझे नींद आ गई, फिर डायरेक्ट मेरी 8:30 बजे, वो भी नहीं है, 17 मिस कॉल्स, मेरा फ़ोन वाइब्रेशन में था, तो लास्ट 17 जब मिस कॉल आया था, 17 वाला, तो उसमें वाइब्रेट की आवाज़ थोड़ी थोड़ी मुझे आई, तो मेरी नींद खुल गई। फिर नीरज ने कहा कि हॉस्पिटल आना है, एक्चुअली ना जिनल को ना थोड़ा सा कोल्ड और कफ बहुत दिन हो गए यार, आज बहुत दिन हो गए, बताया हम ऐसे हल्के में ले रहे थे, मैंने कहा कि चलो चले जाएगा, क्योंकि हर बार इसको ना 2-3 दिन में चले जाता था, क्योंकि मैं जो घर की जो लहसुन वाला तेल है ये सब वगैरह इसको यूज़ करती थी, तो चले जाता था, बट आज ना ये मेडिसिन खाती नहीं है। आप लोग को मैं दिखाऊंगी एक बार कभी लाइफ, ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेती है। बचपन में तो ये सो जाती थी, तो मैं निप्पल में डाल के पिलाती थी इसको, अब इसने वो भी करना बंद कर दिया, पता है बहुत टफ हो गया इसको मेडिसिन खिलाना, तो बट क्या करें, डॉक्टर के पास तो आज जाना ही पड़ेगा यार, आज तो मैं बहुत दिन से ना इसको जुकाम और खांसी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो लेके चलती हूँ मैं इसको हॉस्पिटल। नीरज को मैंने सुबह कहा था, नीरज का कॉल आया था, उनके पास सुबह टाइम था क्योंकि उनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो बट मैं सोई थी, तो फिर यार उठना, बच्चे को नाश्ता वगैरह कराना तो पड़ता ही है ना, फिर मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि दूसरे दिन जाएंगे, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद चले जाती हूँ, अगर नीरज को कॉल करूँगी, उनके पास टाइम होगा तो रास्ते से पिकअप कर लेंगे, नहीं तो ठीक है हम अकेले चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्पिटल, बस ये है कि धूप लगती है बहुत तेज़, गर्मी होती है यहाँ, तो फिलहाल के लिए चलते हैं हम लोग हॉस्पिटल। और ये है जियांसी का कार्ड, वैसे आप लोगों को मैंने कार्ड दिखा दिया है, हाँ चलो तो चलती हूँ, मेरा बेटा बेचारा कपड़े भी लटक रहे हैं इसके ऊपर, ऑफ शोल्डर, ऑफ शोल्डर बन रहा है मेरे बेटे का ना, चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो सबको, बाय, मैं जा रहा हूँ, एक मिनट आ रही हूँ, मैं सैंडल पहनूँ, मैंने सैंडल नहीं पहने, मम्मा के सैंडल कहाँ है, बाहर, मम्मा के सैंडल कहाँ है, डॉल्फिन, डॉल्फिन कहाँ पे, आ जा आ जा, वहाँ से आए थे और इतना ज़्यादा खाना खाया ना, और गुरुद्वारे का खाना तो कितना टेस्टी होता है आप लोग को पता है, और मैंने ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा मैंने क्या मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाया ही नहीं यार, क्योंकि सब लोग ना ड्रेस में थे, तो आप लोग को पता है यार आर्मी की ड्रेस में फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं होता है, और सही भी है, नहीं लेना चाहिए, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई इस वजह से। और नीरज भी ड्रेस में ही गए थे क्योंकि वो आए थे 1 बजे शिफ्ट से, और हमें आते ही वो हमें सीधा लेके चले गए थे वहाँ पे, तो खाना खाते खाते 2 बज गया था शायद, क्योंकि 1-1.5 बजे वो घर पहुँचे नीरज, फिर हम गए 2 बजे, खाना ऐसे 2:10, 2:20 ऐसे कुछ हो गया था, तो खाना इतना टेस्टी था, मैंने खा भी लिया पेट भर, मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो पेट भर लंच किया, हाँ लंच, तो अभी नीरज की नाइट है तो वो चले गए भाई, वो तो वही खाएंगे, और मैं मेरी सब्जी भी, बेटर को मेरी सब्जी भी पता है ऐसी बच रखी है कल की, तो रोटी भी ऐसी बची हुई है सारे के सारे सुबह की, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही खा लूँ, और जिनल के लिए मैं आज बीटरूट का पराठा ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, देखो लेट्स सी क्या होता है, अगर जिनल को पसंद आए तो आगे बनाते रहूँगी, और अच्छा हुआ थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करूँगी, अच्छा हुआ तो कल मैं ब्रेकफास्ट में, आज कल ब्रेकफास्ट में बीटरूट का पराठा ही बनाऊँगी, तो अभी तो मैं जिनल के लिए बना लेती हूँ ये, क्योंकि आज ना जिनल सोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सो रही है, और देखो उसके काम, हाय, तो ये किचन में आती है और मैं आटा गूंथती हूँ ना, तो ऐसे भी आटा चाहिए, तो चलो हम अपना डो रेडी कर लेते हैं, उसके बाद पराठा बनाएंगे। आज बना रही हूँ मैं डिनर में, ये देखो रेड रेड दिख रहा है, तो मैं बना रही हूँ बीटरूट के पराठे, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये, मैंने यहाँ पे देखो पेस्ट करके रखा है, थोड़ा सा बीटरूट काटा था मैंने, क्योंकि नीरज इतना बड़ा बीटरूट उठा के लेके आ गए,